हेलो दोस्तों, मेरे पास है माइक्रोमैक्स X1i पॉप कीपैड मोबाइल है, SPD CPU है। माइक्रोमैक्स का कोई भी आपका पास कीपैड मोबाइल आता है SPD CPU में, तो इस तरीके से आप UMT से इसका पासवर्ड रीड कर सकते हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स का कोई भी 3 CPU आपको सेलेक्ट करना रहता है, SC6530, 6531, 6531E, यहाँ पर जेनरिक CPU और ये सेलेक्ट करना रहता है। और इसका जो बूट की है वो टॉर्च वाला बटन है, मतलब ओके बटन है, बीच वाला सेंटर बटन है इसका बूट की। तो यहाँ पे आपको UMT में SPD मॉड्यूल में जेनरिक CPU और 6531E सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको रीड फोन पासवर्ड और एक्सक्यूट कर देना है। और कनेक्ट करने के लिए आपको बैटरी निकालना है, ओके बटन जो टॉर्च वाला बटन उसको दबा के रखना है और केबल को लगाना है। बैटरी मैंने निकाल दी है, ओके बटन को टॉर्च वाला बटन जो सेंटर बटन है उसको दबा के रखना है। मैंने दबा के रखा, केबल लगाई, फिर उसके बाद बैटरी ऊपर से आपको लगा देनी है। तो आपका जो है ये कनेक्ट हो चुका है और ये पासवर्ड रीड करके आपको बता देगा। ये देखिए, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234 था और अभी एक्टिव पासवर्ड है 5x8 नंबर। तो बड़ा ही सिंपल है UMT अगर आप यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस में आप मिरेकल क्रैक से भी कर सकते हैं, लेकिन मिरेकल क्रैक में ये CPU सपोर्ट नहीं था या नहीं हो रहा था मेरे से, इससे एक बार में हो गया। तो इस वीडियो में बस यही था कि अगर आपके पास माइक्रोमैक्स SPD CPU कीपैड कोई भी मोबाइल आता है तो UMT से आप किस तरीके से उसका पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें जो है 5x8 नंबर डला हुआ है, तो मैं 5x8 यहाँ पर डाल देता हूँ और ओके। तो हमारा जो है ये अनलॉक हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।